आज भरो। महाराज आवाज लगाई है तो बाज जो है पैसा पर टूट पड़ते हैं, आज पैसा जो है बांसी भाग जाती है। इधर ब्राह्मण ब्राह्मण ही पहुंचे हैं, कहा कि ये बताओ इस स्त्री और बच्चे की कीमत क्या है। बोले दोनों की 40 बार सोना। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने रानी तारा पुत्र हितास को खरीद लिया। एलार काफी भीड़ भाड़ जब देखी है तो महाराज कालू मेहतर ने देखा या बड़ी भीड़ भाड़ है, क्या बात है। भीड़ को चीते हुए जब कालू मेहतर अंदर प्रवेश करता है तो पूछा कि इस व्यक्ति की कीमत क्या है। बोले 20 बार सोना। बोले देखो हम खरीद तो लेंगे लेकिन आपको हमारे यहाँ पर मरघटिया का काम करना पड़ेगा। बोले अगर तुम्हारे यहाँ पर मरघटिया से भी कोई घटिया काम हो तो उसे भी हम करते रहेंगे लेकिन आप हमें खरीद लीजिए। आज महाराज कालू मेहतर ने हरिश्चंद को 20 भार सोना देकर के खरीद लिया। जब महाराज खरीद लिया है तो कालू मेहतर की घर की तरफ आज धरो। जब तारा अपने पुत्र को लेकर के ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर के लिए चली है और हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ के लिए चले तो आज हरिश्चंद्र बोले हैं तारा मेरे पास में केवल यही धन बचा था, पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने खुद अपने हाथों से अपने पुत्र अपनी पत्नी को बेचा हो। दुनिया में ऐसा मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आज मैं अपने हाथों से अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। जा भी रहना खुश रहना कि जाओ हो नर मरते मरते भी नारी को कहीं बेचते हैं और हम ही बे ऐसे नर मर रहे जो सब मर्याद में डटे तुम जा रहो बा खुशी रहो अरे याद हमारी करियो।